में आप लोगों से एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और इसको स्पेशली जेंट्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इसकी खास बात क्या है, पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्या होता है, जब एक आदमी की एज बढ़ती है तो उसके साथ कई सारे ना चैलेंजेस आते हैं जिसको उसको एनकाउंटर करना पड़ता है, जिसमें उसको यूरिनरी चैलेंजेस होते हैं, साथ में उसको उसका जो लिबिडो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, उसके बाद उसका जो मूड्स है वो अनबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, और उसका एंड्योरेंस लोअर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अभी अगर मैं बताऊं कि ये ना एक मतलब प्रोस्टेट हेल्थ जो है ना, ये सब कुछ जो होता है प्रोस्टेट हेल्थ की वजह से होता है, और ये प्रोस्टेट हेल्थ जो है आज के डेट में एक बहुत बड़ा इशू बन गई है। और इसके लिए कंपनी ने कुछ साल पहले एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट डिज़ाइन करा था जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और उसका नाम था प्रोसेक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रोसेक्स से भी बेटर रिजल्ट देने के लिए कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है जिसका नाम है वाइटोलाइज मैन। ये एक हाईली इफेक्टिव ब्लेंड है, और इसके अंदर कंपनी ने फाइटो न्यूट्रिएंट्स, हर्बल ब्लेंड्स ऑफ सौ पलमेटो सीड एक्सट्रैक्ट, साथ में पाइजियम और पम्पकिन सीड्स का इसमें एक्सट्रैक्ट डाला है। साथ में इसमें कंपनी ने लाइकोपाइन और विटामिन B6 और विटामिन CDE, साथ में जिंक और सेलेनियम करके इसके अंदर इसको कंबाइंड किया है, जिसके बहुत हाईली इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं। सही है, तो सारी चीज़ें क्या करती हैं, सारी चीज़ें मिलके एक तो हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है उसको मेंटेन करती है, उसको प्रमोट करती है, टेस्टिकुलर जो हमारी टेस्टिकुलर फंक्शंस होते हैं उसको प्रमोट करने का काम करती है, और हमारी जो प्रोस्टेट हेल्थ होती है उसको इनक्रेज करने का काम करती है। अब आइए इसके जो इसमें कंपनी ने जो ब्लेंड्स डाले हैं मैं उनकी बात करता हूँ। इसमें पहली बात, कंपनी ने फाइटो न्यूट्रिएंट्स एड ऑन किए हैं। तो ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, एक तो हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, साथ में हमारी बॉडी को यूथफुल पावर देते हैं, और साथ में हमारी वाइटलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें साथ में पम्पकिन सीड जो है उसको कंपनी ने डाला हुआ है, तो ये हमारा जो PSA लेवल है जिसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोला जाता है, तो ये उसको नॉर्मल करने का काम करता है। अब PSA क्या होता है कि हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ना उसके अंदर से एक पदार्थ होता है जो उसको मतलब निकालता है। ठीक है, जब ये बढ़ जाता है, जब ये PSA बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जिसको प्रोस्टेटाइटिस भी बोलते हैं। तो एक्चुअली जब आप इसको खाएंगे तो क्या होगा कि एक तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड प्रेशर लेवल है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन करता है, यूरिनरी ट्रैक जो होता है उसके फंक्शंस को हेल्दी करने का काम करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है, साथ में क्या होता है हमारे जो प्रोस्टेट हेल्थ है और साथ में जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब इसके साथ कंपनी ने इसमें 100 पालमेटो बेरी एक्सट्रैक्ट डाला है। ठीक है, उसकी हाई वैल्यू इसमें डाली है। तो ये जो है ना, ये 100 पालमेटो सीड, ये क्या कहते हैं बेरी, ये क्या करता है कि एक ना ट्रेडिशनल रिमेडी प्लांट है ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के लिए। एक्चुअली क्या है कि इस जो हर्ब है इसके ऊपर पूरा का पूरा रिसर्च किया गया है, और जिसको बोला जाता है BPH, जिसको बोला जाता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो प्रोस्टेट की जो मतलब साइज है वो जब इंक्रीज हो जाता है तो उसको BPH की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ठीक है, ये BPH के प्रॉब्लम को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, एक्चुअली BPH के कारण क्या होता है, जब इसके सिम्टम्स क्या हैं, जब लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना शुरू हो जाता है, या यूरिनेशन के अंदर उनको ट्रबल महसूस होने शुरू हो जाते हैं, या उनकी जो नसें हैं वो थोड़ी वीक पड़नी शुरू हो जाती हैं, साथ में क्या है उनके गॉल ब्लैडर, उनके जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर उनका कंट्रोल नहीं रहता, यानी यूरिन करते हुए उनको कंट्रोल नहीं रहता, तो ऐसी प्रॉब्लम को BPH बोला जाता है। तो ये उसको बैलेंस करने का काम करता है, और उसके अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे गए हैं। अब एक हार्मोन होता है जिसको बोला जाता है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या करता है कि हमारे जो प्रोस्टेट सेल्स होते हैं उनकी अनकंट्रोलेबल मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। तो अब इसकी खास बात क्या है, जो इसमें 100 पालमेटो है, ये एक तो इसको स्लो डाउन करता है, इसके प्रोसेस को स्लो डाउन करने का काम करता है, और उसके बाद ये जो हार्मोन है अगर हमारे प्रोस्टेट के अंदर लॉक हो गया है तो उसको भी हटाने का काम करता है।
साथ में लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और चल रही है कि उनकी जो एजिंग है वो बहुत मतलब कम एज में आनी शुरू हो जाती है और उसके बाद उनकी स्किन ना यंगर नहीं दिखती। तो इसमें कंपनी ने लाइकोपाइन डाला हुआ है जो हमारी जो साइन ऑफ एजिंग है उसको प्री मैच्योर साइन ऑफ एजिंग इसको कंट्रोल करने का काम करता है, इसको हटाने का काम करता है और साथ में जिसकी वजह से आपकी स्किन और आप यंगर दिखने लग जाते हैं। साथ में इसमें जिंक है, जिंक आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको सपोर्ट देने का काम करता है। साथ में सेलेनियम है, सेलेनियम क्या करता है आपका एक जो हेल्दी प्रोस्टेट सपोर्ट है उसको देने का काम करता है और उसके बाद यूरिनरी फंक्शन में हेल्प करता है और साथ में जो प्रोसेस होता है स्पर्म्स का उसमें भी हेल्प करता है। साथ में अगर मैं इस पूरे प्रोडक्ट की कंप्लीट डिस्कशन अगर आपको कंप्लीट इसके बारे में बताऊं तो ये प्रोस्टेट के बारे में जितने भी प्रोस्टेट हेल्थ है, यूरिनरी हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ है, वाइटलिटी है, इम्यूनिटी है, इन सबको सपोर्ट देने का काम करता है। अब देखिए ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स का फीमेल्स पे तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता ही है, साथ में इन हार्मोनल इम्बैलेंस का ना हमारी बॉडी में भी मतलब जो मेल्स की बॉडी है उस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के कारण और इनके इम्बैलेंस के कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक तो जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो एनलार्ज हो जाता है प्रोस्टेट, ठीक है, और कास्ट जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है उसको होने का खतरा रहता है। साथ में लोगों को इम्पोटेंसी हो जाती है, साथ में उनकी जो सेक्स ड्राइव है वो लोअर हो जाती है, साथ में उनकी बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है उनको और फ्रीक्वेंट उनको यूरिनेशन होना शुरू हो जाता है या यूरिनेशन के अंदर उनको मतलब डिफिकल्टीज आनी शुरू हो जाती हैं और साथ में जो डायबिटीज़ है उसका भी रिस्क बढ़ जाता है और साथ में डिप्रेशन और मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप इस प्रोडक्ट को यानी जो आपको वाइटोलाइज मैन बताया है मैंने कि इसको जब आप यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी एक तो प्रोस्टेट हेल्थ को प्रमोट करने का काम करेगा, साथ में आपकी आपके प्रोस्टेट को एसेंशियल सपोर्ट देगा और उसके बाद आपका जो यूरिनेशन है उसको नॉर्मल करने का काम करेगा, टेस्टिकुलर जो फंक्शंस हैं उसको ठीक करेगा, साथ में उसके फ्लो को भी बैलेंस करेगा, उसके बाद फ्री रेडिकल से जो डैमेज हुआ है प्रोस्टेट पे उसको भी ये बैलेंस करने का काम करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। साथ में इसके अंदर ना कंपनी ने पॉलीफिनॉल डाले हुए हैं, तो ये क्या करता है, इसको लेने का मतलब है अगर आपने इसके अंदर जो पॉलीफिनॉल है इसकी एक गोली में, तो ये आपने इसका मतलब है कि इसकी एक गोली खाने का मतलब आपने एक अनार के बराबर का सत्व ले लिया है। तो इसकी आपको दिन में केवल दो गोली खानी है, खाने से या तो 20 मिनट पहले खा लीजिए या खाने के 20 मिनट बाद खा लीजिए और उसके बाद एक हेल्दी जिंदगी जिए, तंदुरुस्त रहिए। और क्योंकि जो हमारा यूरिन है, हमारे यूरिन का जो असली जो हमारे जो यूरिन है ना ये हमारी किडनी को बड़ा इफेक्ट करता है, ठीक है, अगर ये सही है तो हमारी किडनी भी कम इफेक्टेड होगी, हमारी किडनी पर बहुत अच्छा इसका असर पड़ेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, होप ये आपको प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगे, इसके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा। तो मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी और बढ़िया प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोग।